यह ऐलान करना चाहता हूं कि जम्मू की यह शानदार आईआईटी विधिवत रूप से अब शुरू हो गई है. आई डिक्लेयर दिस आईआईटी जम्मू ओपन, क्योंकि आज से ही आपके लेक्चर शुरू होंगे. हमारे साथी पीएमओ के राज्य मंत्री, और जब मैं पर्यावरण विभाग का मंत्री था तो मुझे बहुत विदेश जाना पड़ता था, और मैं स्वतंत्र प्रभार का मंत्री था तो मुझे कोई राज्य मंत्री नहीं थे. तब लोकसभा में राज्यसभा में मुझे जवाब देने के लिए किसी को नमित करना पड़ता था. तो मेरे पड़ोसी भी है, मेरे मित्र भी है, और मेरे पार्लियामेंट के रखवाले भी है, तो ये जितेंद्र सिंह जी हैं. निर्मल सिंह जी यहां के उपमुख्यमंत्री है. पिछले कितने सालों से पार्टी के गतिविधियों के निमित्त या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से जब भी मैं आता था तो निर्मल सिंह जी के घर जाना, कावा लेना, कश्मीर में हर चीज अच्छी है, कुदरत का करिश्मा है. कश्मीर, लेह लद्दाख, जम्मू, यानी कुदरत कितना मेहरबान हो सकता है, उतना मेहरबान हो गया है इन प्रांतों पर, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये सारा प्रदेश बन गया. और आप इसमें रहोगे, बहुत आप भाग्यशाली हो. हमारी बहन प्रिया सेठी बहुत लगन से काम करती है. जुगल किशोर जी यहां के सांसद चुने हुए, और शमशेर जी हमारे साथ राज्यसभा में हैं. प्रोफेसर राव और प्रोफेसर कौल, क्योंकि ये आईआईटी चलाएगा कौन, तो ये ओपनिंग पेयर है, और इनके कंधों पर हम पूरा ये जिम्मेवारी दे रहे हैं, और अच्छी टीम आपको भी देंगे, ये भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं. आपको ही सिलेक्ट करना है. मुझे जम्मू कश्मीर से लगाव भी है. जैसे मैंने कहा, प्रकृति ने ऐसे लूटा है इस पर, कुदरत इतनी मेहरबान होती है, तो सुंदरता है, लेकिन कश्मीर की विशेषता कश्मीरियत है. यहां का रिवाज है, यहां की कल्चर है, ये कश्मीरियत ही है. दिलेरी है, जुनून है, खाना भी इतना बेहतरीन. तो ये सब लेकर किया, लेकिन इससे ज्यादा एक बड़ी चीज है जम्मू कश्मीर में, और जिसका मुझे नाज है, फक्र है, कि पूरे देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो उच्च शिक्षा में ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है. मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के सभी लोगों को. कहीं कहीं कभी कठिन हालात भी आते हैं तो भी शिक्षा का राह नहीं छोड़ा है, और इसमें लड़कियों को, छात्राओं को मैं बधाई ज्यादा देना चाहता हूं, क्योंकि छात्राओं का जीईआर 25% है, और छात्राओं का 27% है, और लड़कों का भी 25% है. दोनों भी एवरेज से ज्यादा है, नेशनल एवरेज से ज्यादा. तो ये जम्मू कश्मीर की विशेषता है, और मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं मानव संसाधन बनने से ही, स्मृति बहन ने पहले ही काम करके रखा था, लेकिन मैं पर्यावरण विभाग में था, जम्मू के आईआईटी के लिए जमीन का मुद्दा था. अब वो हमारे नॉर्मल कानून के तहत वन विभाग की जमीन दूसरे काम के लिए नहीं दी जा सकती, लेकिन जैसे निर्मल सिंह जी ने बताया, वो आए, मुझे बताया
मुख्यमंत्री महबूबा जी, उनकी भी बात हुई। आज भी महबूबा जी का मुझे पत्र आया कि आज मैं नहीं आ सक रही हूं, जिस तरह से वो काम में जुटी है। और नईम जी से तो मेरी पर्सनल बात हुई, जितेंद्र जी के यहां आए थे तब हमने बात की और उन्होंने एक न्योता दिया मुझे कि आज यहां का उद्घाटन करें, ये टेम्पररी कैंपस है, लेकिन जो नगरोटा में परमानेंट कैंपस बनेगा, जिसके लिए वन की जमीन देनी थी, तो मैंने रास्ता निकाला। जब इच्छा होती है, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, और वो हमने निकाला और इसको जमीन दे दी। वन विभाग की जमीन मिल गई, उसके एवज में दूसरी जमीन मिली है वनीकरण के लिए। अब वहां बेहद खूबसूरत कैंपस बनेगा, तो उसका शिलान्यास और IIM का भी शिलान्यास, ये दोनों करने का काम भी हम जल्दी आएंगे। तब महबूबा जी आएंगी, नईम भी आएंगे, सभी आएंगे और एक जोरदार कार्यक्रम हम वहां करेंगे स्पॉट पर भी, तो ये दोनों हम करेंगे। मैं आने के बाद फिर तुरंत पार्लियामेंट का सेशन था, तो पार्लियामेंट सेशन में जो पहला बिल मुझे पायलट करने का भाग्य मिला, वो देश में 6 नए IITs को शुरू करने का ही बिल रखने का मुझे भाग्य मिला। और मुझे खुशी है कि जम्मू, भिलाई, तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, धारवाड़, 6 नए IITs और 7वां धनबाद की हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइन बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छी है, उसको भी IIT का अब दर्जा दिया है। तो 7 IITs के नया निर्माण, अब 23 IITs बने हैं, देश के उच्च शिक्षा में नया कीर्तिमान है। इस साल 10,000 से ज्यादा एडमिशन्स IIT में हुए हैं और एक भी अब सीट खाली नहीं है, यह बताते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और सारे रिजर्व सीट्स भी पूरे लगभग सारे भर गए हैं, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है भारत की। और इसलिए ये हम अच्छी तरह से करेंगे। यहां बहुत सारे छात्र हैं, छात्राएं हैं और उनके अभिभावक भी आए, पेरेंट्स भी आए हैं ना, पेरेंट्स यहां आए हैं। यस, बहुत आपको बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपने बच्चों की परवरिश ऐसी की, इसलिए आपके बच्चे यहां IIT में आए हैं, ये समझ लेना। आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं। बचपन से जो भी कुदरत हरेक को बुद्धि देती है, लेकिन उस बुद्धि को आकार देना, उसको सही तरह का काम करना, ये पेरेंट्स का भी काम होता है, आगे फैकल्टीज का भी, अध्यापक प्राध्यापकों का भी काम होता है। उसकी टैलेंट पहचानना, उसके एटीट्यूड पहचानना और उसके अनुसार उसको मार्गदर्शन करके उसको सही लाइन में जाने देना, पीयर प्रेशर में नहीं। नहीं तो 3 इडियट्स में हमने देखा, उसको बनना था वाइल्ड फोटोग्राफर, लेकिन सबके दबाव में इंजीनियर बन रहा है, ऐसा नहीं, चॉइस से बनना है। और आपने भी कितनी एक तपस्या की है, स्कूल में, कॉलेजों में, और फाइनली IIT के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है, 15 लाख बच्चे बैठते हैं, 15 लाख छात्र बैठते हैं JEE के लिए, और उसमें से एडवांस में 1.5 लाख आते हैं, और 1.5 लाख में से सब मिलके NIT IIT सब मिलके 15-20 हजार बच्चे उसमें एडमिशंस पाते हैं। तो यू आर सिलेक्टेड फ्यू, ये ज्यादा अपॉर्चुनिटी और लोगों को भी मिले, ये मेरी इच्छा है, प्रयास रहेगा। लेकिन सच्चाई है कि आपने बहुत मेहनत की, उस मेहनत का आज फल मिला, और देश की सबसे नामी संस्थान जो IIT है उसमें आपको सिक्का लग गया है। आज देश के आधे उद्योग के नेतृत्व IITians कर रहे हैं, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, आधे उद्योगों का नेतृत्व IITians कर रहे हैं। अब उद्योगों का नेतृत्व विरासत से नहीं आता, वो बुद्धिमत्ता कर्तृत्व के आधार पर आता है, और इसलिए आज IITians इतने सफल हुए हैं।
यहां डायरेक्टर की नियुक्ति जल्दी होगी, फैकल्टी भी पूरी मिलेगी और अच्छी मिलेगी, क्योंकि हमारा नारा ही है अब सब तक शिक्षा तो पहुंच गई, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये मोदी सरकार का मंत्र है। उस अच्छी शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। दैट इज अवर मिशन, क्वालिटी एजुकेशन। और एक मैं कहना चाहता हूं, आईआईटी को आने के लिए जो जेईई देनी है उसकी तैयारी के लिए भी आपने एक दो साल परिश्रम किए हैं ना। छात्रों से पूछता हूं, एक आध दो साल तो मेहनत की जेईई के लिए, और उसके लिए कोचिंग सेंटर्स और उसके लिए कितना लाखों रुपए खर्च होते हैं उसके लिए भी। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक आपकी सुनी है, आने वाले बैचेस के लिए हमने एक नया ऑनलाइन आईआईटी पाल प्रोग्राम शुरू किया है। अब सारे लेसन, मटेरियल, ट्यूटोरियल, टेस्ट, डिस्कशन फोरम, आशंकाएं पूछना, सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा और फ्री मिलेगा। आईआईटी के एग्जाम के लिए आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको घर बैठे आप जब चाहो तब आप उसका अध्ययन करके पूरी पार कर सकते हो नैया। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग अहेड विथ। मैं मानता हूं कि ये एक समस्या है, फैकल्टी यहां बहुत सारे अध्यापक हैं। मैंने मेरे काम की शुरुआत ही, जिन्होंने मुझे कॉलेज में पढ़ाया उन शिक्षकों को गुरु प्रणाम करके मैंने मेरे काम की शुरुआत की, क्योंकि टीचर ही हमारा किसी भी छात्र को अगर आकार देते, करतूत उसमें भरते हैं, उसको स्पेशल स्किल्स प्रदान करते हैं तो अध्यापक। एंड देयरफॉर, और मैंने संसद में भी, गुरु पूर्णिमा थी तो मैंने मेरे ऑफिस को, मुझे एकदम एक दिन पहले याद आया कि कल गुरु पूर्णिमा है तो कुछ अलग करेंगे, क्या करेंगे, तो संसद में ही अनेक प्रोफेसर्स हैं। अब जितेंद्र सिंह भी पढ़ाते थे हमें पता नहीं था तब तक, ये देश के नामी डायबिटोलॉजिस्ट है, वो डॉक्टर है, मैं पेशेंट हूं। तो यह हमें पता नहीं था, लेकिन सबका ढूंढा हमने, 50 से ज्यादा निकले, मनमोहन जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर पीजी, प्राध्यापक प्रोफेसर पीजी कुरियन, प्रोफेसर थॉमस, कितने सारे प्रोफेसर, सुब्रमण्यम स्वामी, प्रोफेसर ऑफ ऑल फ्रॉम ऑल पार्टीज, पार्टी कोई नहीं होता, अध्यापन अध्यापक होता है, उसकी कोई दल नहीं होता। शिक्षा एक राष्ट्रीय एजेंडा है, शिक्षा एक राष्ट्रीय एजेंडा, ये दलगत राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। यही मेरी धारणा और यही मेरा काम रहेगा कि सबको साथ लेकर हम शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, यही हमारा काम है। सब प्राध्यापकों को, अध्यापकों को मैंने इकट्ठा किया, 50 से ज्यादा है, सब आए, सबको हमने प्रणाम किया, गुरु पूर्णिमा के दिन उनका अभिनंदन किया, क्योंकि अध्यापक दे आर द एजेंट्स ऑफ चेंज, द प्रोफेसर्स, द टीचर्स, दे रियली शेप द कंट्री। सो हाउ मच कंट्री कैन प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर एंड देयर डेडिकेशन, एंड टू दैट एंड वी वॉन्ट टू एनकरेज टीचरशिप। सो वेन आई वेंट टू आईआईटी दिल्ली, आई वॉज विथ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग पीएचडीज, देर वेर 200 स्टूडेंट्स, आई आस्क देम, आई एम ओपन फॉर टॉक, बट आई विल फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन हु आर रेडी टू बिकम फैकल्टी, एंड आई वॉज सरप्राइज, आउट ऑफ 200 मोर देन 100 स्टूडेंट सेड दैट वी वॉन्ट टू बी फैकल्टी, दैट्स अ गुड साइन, वी नीड गुड फैकल्टीज। और आप भी जो पढ़ रहे हो, आपको भी पढ़ाने का, आईआईटी में हम वही फैसिलिटीज देंगे जो दुनिया में मिलती है, जो फैकल्टी बनेगा उसको फ्रीडम भी रहेगा, रिसर्च का फ्रीडम रहेगा, और बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें अवसर भी मिलेगा। दो कार्यक्रमों का मैं उल्लेख करूंगा, एक इम्प्रिंट इनिशिएटिव है, भारत के जरूरतमंद के 10 क्षेत्रों में नए नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने के लिए हमने आवेदन मंगाए, 2000 से ज्यादा आवेदन आए, उसमें से 450 का शॉर्टलिस्ट हो गया है, उससे भी जो भी फाइनली 300-400 प्रोजेक्ट्स होंगे
उनको हम बेहतर सहायता देंगे। पहले लोग बाहर क्यों जाते थे, क्योंकि रिसर्च फंडिंग बाहर मिलता था, यहां नहीं मिलता था। मोदी सरकार ने ये जाना और ये रिसर्च फंडिंग भी हम यहां देंगे तो आप आईआईटी में पढ़ोगे भी और रिसर्च भी करोगे, ये सब साथ साथ चलेगा, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। दिस इज द न्यू इनिशिएटिव ऑफ इंप्री। बट मोर इंपॉर्टेंट इज उच्चतर आविष्कार योजना, दैट इज वी मस्ट हैव इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्रीज, बिकॉज इंडस्ट्रीज नीड न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स, because only research and development will add value addition, make value addition to the products. मैं स्टीव जॉब्स के साथ दो दिन था, जब मैं आईटी टास्क फोर्स का चेयरमैन था मेरे स्टेट का, 98 में मैं गया, वो बता रहा था तब ये आईफोन नहीं था, वो हाथ में दिखा रहा था कि मैं एक ऐसा हैंड होल्ड करूंगा कि जिसमें लिख भी सकोगे, बोल भी सकोगे, भेज भी सकोगे, जिसमें पढ़ भी सकोगे, जिसमें टीवी भी देख सकोगे, गाने भी सुन सकोगे, सब कुछ कर सकोगे, कैमरा भी होगा, ये भी होगा, संभव नहीं लगता था, क्योंकि हर उपयोग के लिए एक अलग यंत्र था तब, सब कैसे होगा और छोटा कैसे होगा, लेकिन उसने करके दिखाया। इसकी मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, 5,000 रुपये होगी, 5,000 के 50,000 बनते हैं, वो शोध रिसर्च एंड इनोवेशन से बनते हैं, वो इनोवेशन कल्चर हमें लानी है, और आईआईटी कैंपस से बेहतर कोई नहीं है। और इसलिए आईआईटी में हमने तीन चीजें और शुरू कर रहे, इंक्यूबेशन सेंटर भी शुरू कर रहे, इंडस्ट्री के पार्टनरशिप में उच्चतर आविष्कार योजना कर रहे, 136 करोड़ इंडस्ट्री ने भी डेबिट जमा भी कर दिए है, उनकी रिक्वेस्ट, उनकी कस्टमाइज रिसर्च आप करोगे, अध्यापक प्राध्यापकों की टीम होगी और उनके साथ स्टूडेंट्स होंगे, सब मिलकर करेंगे। तो ये उच्चतर आविष्कार योजना होगी जिससे आपको फायदा मिलेगा और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा रिसर्च का, आपके लिए बेहतर सुविधाएं भी देंगे। हायर एजुकेशन नीड्स बेटर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू दैट एंड वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस। Every year's budget constraints don't give that leverage. So this year, Arun Jaitley ji has given 1,000 crore rupees in budget for higher education finance agency, for creation of that agency. Some bank or somebody will be appointed in few days, and they will also contribute 1,000 crore rupees. With these 2,000 crore rupees, we will leverage 20,000 crore rupees. For infrastructure needs of all IITs and all higher education institutes, and basically the amount will be spent for research infrastructure. So that is what we will create. So we are going ahead with a plan. अब हमने IIT में दे दिया कि IIT के आपके hostel room को आप official पता आपके business का बता सकते हो. Startup, you can start from your own room. You can give that address. We will facilitate, we will provide, help you facilitate in finance, getting other things also, and you can start studying and start your startup. And I am happy, more than 40 startups have already started operating from various IITs. So that's the beginning. That's the new beginning, making a new lease of life to all these IITs. Hamare world-class institutes kaise honge? Hamara ranking, we have the best institutes in IIT, but we don't get the commensurate ranking in the international framework. Why? Because ranking depends upon the perception also. 40% weightage is given to perception, and we have already chalking out a program whereby we will improve the perception of Indian Institute of Education, IITs and our institute, so that they are ranked properly to their respective positions. So that is what we are going ahead with. So this is all about quest. And as rightly said by Jitendra Singh and Nirmal Singh ji, Make in India is all about research, innovation. Make in India, he is inviting the talents of India who are working in various multinationals abroad and research labs abroad,
He is inviting them back, come. And he is asking NRI community, Indian diaspora and others also to invest. So come, innovate, invest, make in India and sell with pride as made in India. That is the whole concept of make in India. Yeh make in India ki concept. And therefore, today I am very happy to be here with you for a major inauguration in Jammu region. Ab NIT Srinagar is also doing well. Let me make a very important announcement. To improve NIT Srinagar further, we have a new plan for 100 crore rupees, and we have got 100 crore rupees, and we will spend in Srinagar 100 crore rupees to improve the facilities and research infrastructure in NIT Srinagar. और दूसरा भी एक मैं घोषणा करना चाहता हूं, जितने भी जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन के टेक्निकल एजुकेशन के सेंटर्स हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए हमारा एक कार्यक्रम है, टेक्निकल एजुकेशन अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है। ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो एक बैंक जैसी है, उसको तो लोन हम वापस करते हैं। तो कोई उद्योग शुरू करता है तो बैंक का आभार प्रकट करता है, लेकिन बैंक का उद्योग नहीं होता, उद्योग हमारा होता है। वैसे ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है, और टेक्निकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कश्मीर पर विशेष ध्यान देकर इनके सभी इंस्टीट्यूट का अपग्रेडेशन करने के लिए टेकिप प्रोग्राम से जरूर मदद पूरा करेंगे, और उसके प्लान हर एक इंस्टीट्यूट का तैयार हो आप देखें, और उसको हम जरूर मदद करेंगे। ये दो तोहफे आईआईटी और आईएम और एम्स का तो हो ही गया है, उसके साथ साथ ये और दो तोहफे भी हम आज ऐलान करना चाहते हैं। और सबको बहुत बधाई, आपका यह कार्यकाल बहुत सफल रहे, यही शुभकामना देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।